मैंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में सीखा है हाउ टू गिव सीपीआर, मैंने सीखा है हाउ टू ट्रीट क्रिटिकल इल पेशेंट, हाउ टू सेव लाइफ, सब कुछ सीखा है, बट ये मैंने कहीं अपने ट्रेनिंग पीरियड में नहीं सीखा कि वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होंगे और क्रिटिकली इल पेशेंट का मैं बिना वेंटिलेटर्स के कैसे ट्रीटमेंट करूं, मैंने ये चीज नहीं सीखी है। Hello everyone, I'm Ansil Itfal, working in Batra Hospital, currently posted in COVID wards. As you all know, yesterday there are total 8 patients died in our hospital due to oxygen crisis, including Dr. Hemdani, who is the HOD of gastro department in our hospital. You know, yesterday my patients were gasping in front of me and it was like I saw a disaster, you know. जिनकी मैं एक वीक से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मेडिकेशन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उनका सैचुरेशन नॉर्मल आ जाए, बट देन यू फाउंड कि गवर्नमेंट कान गेट अस द सप्लाईज दैट वी नीड। मैंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में सीखा है हाउ टू गिव सीपीआर, मैंने सीखा है हाउ टू ट्रीट क्रिटिकल इल पेशेंट, हाउ टू सेव लाइफ, सब कुछ सीखा है, बट ये मैंने कहीं अपने ट्रेनिंग पीरियड में नहीं सीखा कि वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होंगे और क्रिटिकल इल पेशेंट का मैं बिना वेंटिलेटर्स के कैसे ट्रीटमेंट करूँ, मैंने ये चीज नहीं सीखी है। इट्स अ शेम दैट आवर गवर्नमेंट कांट गेट अस द सप्लाईज दैट वी नीड। लाइक दे हैव फंड फॉर पटेल स्टैचू, दे हैव करोड़ फॉर पटेल स्टैचू, दे हैव करोड़ फॉर कुंभ मेला, दे हैव करोड़ फॉर एवरीथिंग, बट फॉर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट फॉर कोविड दे नीड डोनेशन, दे नीड पीएम केयर फंड। दे आर बेगिंग फॉर देयर लाइफ, दे आर सेइंग कि मैम, मेरे एक पेशेंट ने मुझे बोला है मैम प्लीज सेव माई लाइफ, आई हैव टू चिल्ड्रन एंड अ लविंग वाइफ। टू डेज बैक एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, टू डेज बैक आई वॉज पोस्टेड इन ICU, मुझे 8 पेशेंट्स का ओवर मिला, 4 ऑफ देम वर क्रिटिकल और 1 पेशेंट जिनका रूम एयर पे सैचुरेशन वॉज नॉर्मल, मैं उनको बताती रही प्लीज आपको वार्ड में शिफ्ट करना है, ICU बेड प्लीज वेकेंट कर दो, एक पेशेंट बहुत सिक है, उसे इस बेड की नीड है। ही आंसर नी, मैम मैंने इस बेड के लिए पे किया है, मैं ये नहीं बेड छोड़ के जाऊँ। मैं उनको समझाती रही कि सर प्लीज आपका सैचुरेशन नॉर्मल है, आप प्लीज वार्ड में चले जाओ। वो उन्होंने नहीं मानी और जब हम उनको 15-20 मिनट से हम समझा रहे हैं और बाहर एक पेशेंट स्ट्रेचर पे, उनका सैचुरेशन 65 था स्ट्रेचर पे, फिर हम वो स्ट्रेचर जब अंदर लेके आए ICU के अंदर और पेशेंट उनके सामने था, जब उन्होंने उस खुद पेशेंट को देखा है तब जाके वो रेडी हुए हैं कि ओके मैम मैं चलता हूँ। यहाँ तक ही नहीं क्यों है। सेकेंड इंसिडेंस वॉज मेरे पास एक रूम में 2 पेशेंट थे, एक का रेमडेसिविर है, एक का रेमडेसिविर मैं दे रही हूँ, एक को नहीं डॉक्टर ने एडवाइस किया एंड ही वॉज लाइक मैम मुझे ये रेमडेसिविर दे दो, ये प्लीज 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 पब्लिक, रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है अगेंस्ट कोविड, वो उस जरूरी नहीं है आप उसी की वजह से ही आपका कोविड ठीक होगा, इट्स जस्ट रेमडेसिविर हम उन्हें दे रहे हैं जिनका वायरल लोड ज्यादा है, जिनका वायरल लोड ज्यादा है उसी को देंगे। मैं उन पेशेंट को बहुत समझाया कि सर आपका वायरल लोड कम है, आपको जरूरी नहीं है रेमडेसिविर की, हमें ये सब चीजें समझानी पड़ती है। मैं अपने पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपका सैचुरेशन नॉर्मल है, आपका PCR पॉजिटिव आया है और सैचुरेशन नॉर्मल है, देन यू डोंट प्लीज डोंट अप्रोच हॉस्पिटल, अप्रोच योर डॉक्टर, अप्रोच योर फिजिशियन, बट प्लीज डोंट अप्रोच, आपको हॉस्पिटल बेड की नीड नहीं है, हॉस्पिटल बेड की नीड सिर्फ उन्हें है जिनका सैचुरेशन बहुत कम है, जिनको ऑक्सीजन की नीड है, जिनको वेंटिलेटर्स की नीड है। प्लीज आप अपना होम ट्रीटमेंट करो, प्लीज स्टे सेफ प्लीज। मैं एक मंथ से अपने घर नहीं गई हूँ, मैं एक मंथ से अपने घर नहीं गई हूँ, यहाँ पे शिफ्ट्स कर रही हूँ, इतने इतने पेशेंट्स का ओवर ले रही हूँ और मेरे पास सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इतना टाइम है कि मैं इतनी शिफ्ट करने के बाद मैं अपने घर में बस एक फ़ोन करती हूँ लाइक यू आर ओके, सब घर में ठीक है, सब घर में ठीक है, किसी को कोई सिम्टम्स तो नहीं आए, बस ये बोल के और फिर मैं सोती हूँ, फिर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाती हूँ। दिस इज मी, दिस इज जो पब्लिक ने हमें नाम दिया है कोविड वॉरियर्स। इतनी शिफ्ट करने के बाद लाइक ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी एक भी पेशेंट को लॉस करती हूँ तो हार्ट ब्रेक है। सेकेंडली ये कि 7-8 आवर्स के शिफ्ट में मुझे सबका मेडिकेशन, सैम्पलिंग, सब कुछ जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करती हूँ, प्लस मुझे पेशेंट की एंग्जाइटी रिड्यूस करनी है, मुझे ये देखना है कि उन्होंने सही से प्रॉपर फूड लिया, फ्लूड्स लिए कि नहीं लिए, उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस करना, उनकी फैमिली, उनके अटेंडेंट की एंग्जाइटी रिड्यूस करना, सबसे डील करना। सो फॉर एनी वन हु इज स्ट्रगलिंग, हुज फैमिली मेंबर आर पॉजिटिव, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग प्लीज।